वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पार्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करेंसी एंड इन्फ्लेशन एम सी क्यूज दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जेके एस एस बी जॉब्स प्रपेशन बिकॉज यू नो फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेशन इम्प्लाइज अगर बात करें ये क्वेश्चन रिपीट कब हुआ है तो आर आर बी टू जीरो जीरो फोर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इन्फ्लेशन इम्प्लाइज। यहाँ पे जो आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन सी राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इम्प्लाइज राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स यानी कि जो जब चीज़ों का जो रेट है बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होल सेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू पी आई तो कंसिडर करना है तो इट मीन्स हमें जो है सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इट कैप्चर्स the price movement extensively and is therefore taken as an indicator of inflation second head the office of the economic advisor oea is entrusted with the function of compilation and publication of the weekly wholesale price index number in india which of the statements given above is are correct तो यहां पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज हाई इन्फ्लेशन के पीरियड को और लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज क्या कहते हैं उसको हेयर द राइट आंसर इज स्टैग फ्लेशन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर स्टैग फ्लेशन इज द राइट आंसर द पीरियड ऑफ हाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज स्टैग फ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोड मनी इन इंडिया इज तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन सी एम थ्री ब्रोड मनी इन इंडिया इज एम थ्री तो फ्रेंड्स यहाँ पे एम थ्री से आप कंफ्यूज मत होना कि ब्रॉड मनी इन इंडिया इज एम थ्री ये क्या चीज़ है एक्चुअली एम थ्री इज अ कलेक्शन ऑफ द मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स एम टू मनी एज वेल एज लार्ज टाइम डिपॉजिट्स इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड्स शॉर्ट टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट्स एंड लार्ज लिक्विड फंड्स एज ए मेज़र ऑफ मनी सप्लाई एम थ्री हैज़ लार्जली बीन रीप्लेसड बाई मनी जीरो मेचोरटी तो कहने का मतलब कि ये जो जितना भी पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम मार्केट में लगा देते हैं ठीक है जैसे आ, हमारे जो लॉन्ग टर्म भी हो गया प्लस शॉर्ट टर्म के लिए जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसके बाद में Uh, क्या करते हैं शॉर्ट टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट्स कर देते हैं ठीक है तो उसी से रिलेटेड है ये जो एम थ्री इससे जो है आप कंफ्यूज नहीं होना ब्रॉड मनी इन इंडिया इज़ एम थ्री कि ज़्यादातर पैसा जो है इंडिया में किस चीज़ का है एम थ्री का है ठीक है जो पैसा जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है अच्छा उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव है बेन बाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पी सी एस नाइनटीन फोर में ये रिपीट हो चुका है सो so, यहाँ पे द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज बिच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज़ अ ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट कौन से भारतीय करेंसी के ऊपर जो है पार्लियामेंट का क्या है ड्राइंग है तो यहाँ पे नोट दे रखे हैं यहाँ पे फाइव हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी और रुपीज़ टेन तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज रुपीज़ फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ के ऊपर पार्लियामेंट का जो ड्राइंग है वो डिपिक्टेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स फ्रेंड्स ऐसा है अगर कंसीडर आता है तो आपको सारे के सारे पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक और फोर्थ है क्रेंसी द करेक्ट sequence ऑफ दीज एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इज हमने जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है सीक्वेंस डिक्रीजिंग मीन सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले आएगा फर्स्ट फर्स्ट क्या है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स उसके बाद में आएगा फोर्थ करेंसी ठीक है उसके बाद में क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा थ्री क्या है सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक्स और लास्ट में आएगा टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट द टर्म रूपी नोट्स बी द सिग्नेचर ऑफ द टर्म नहीं यहां पे टेन रुपीज का नोट है पूछा गया है कि टेन रुपीज के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं टेन रुपीज के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं तो यहां पे आंसर है गवर्नर आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं किसके ऊपर रुपीज टेन के नोट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिट्री पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय मोनिट्री पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय तो कौन रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को हेयर आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सेंट्रल बैंक इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैग फ्लेशन इम्प्लाइज ए केस ऑफ स्टैग फ्लेशन इम्प्लाइज ए केस ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज ए केस ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन से कंफ्यूज नहीं होना इसका मीनिंग होता है मंदी के साथ साथ मुद्रा स्फीति ठीक है रिसेशन क्या होता है मंदी और उसके बाद में इन्फ्लेशन क्या हो गया महंगाई ठीक है तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज ए केस ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज क्या इशू करता है आल द कुरेंसी नोट्स बी है आल द कुरेंसी नोट्स एक्सेप्ट द वन रुपी नोट सी है आल द कुरेंसी नोट्स एक्सेप्ट द हंड्रेड रुपी नोट और डी है ओनली टेन रुपीज़ नोट एंड एब तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो है आपका दैट इज ऑप्शन बी ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द वन रुपी नोट ये कौन करता है ये करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज़ टर्म्ड एज ऐसी सिचुएशन जब क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और साथ साथ में इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी बढ़ती है तो क्या होता है उसे उसे क्या कहा जाता है ऐसे सिचुएशन क्या कहेंगे तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं स्टैग ठीक है स्टैग फ्लेशन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन कैन बी कंटेंड बाय इन्फ्लेशन कैन बी कंटेंड बाय देखो ऐसा है फ्रेंड्स जिस बी क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ दी एवो वाला ऑप्शन दिख जाए और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है हमें मतलब आपको नहीं आता है तो और आपको ये भी लग रहा है कि भाई अभी जो है पॉसिबिलिटी नहीं है पास होने की तो उस सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हैं आल ऑफ दी एवर के साथ बिकॉज अगर एन एवरेज देखा जाए तो एट्टी परसेंट जो आल ऑफ द एब क्वेश्चन हैं वो आंसर जो है वो सही हो जाता है सो so यहाँ पे दिखा इन्होंने इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन बाय तो आंसर है यहाँ पे आल ऑफ़ दि एब तो क्या क्या है सरप्लस बजट इंक्रीज इन टैक्सेशन उसके बाद में रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेशन रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर सो आंसर इज आल ऑफ दहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय सरप्लस बजट इंक्रीज इन टैक्सेशन प्रोडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स गुड रिजल्ट इन एंड इनक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोमी तो यहाँ पे बिच ऑफ द फॉलोइंग लिख दिया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको सारे के सारे पहले पढ़ने पड़ेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्राम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक वॉरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक उसके बाद में सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक तो यहाँ पे चलते हैं आगे बिकॉज यू नो यहाँ पे सेलेक्ट द करेंट इन्होंने जो है लिखा है सेलेक्ट द एक्चुअली ये यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था यूजिंग द कोड गिवन बिलो ठीक है तो करेक्ट कोड क्या है यहाँ पे वन ओनली वन इज द राइट आंसर वन में क्या है क्वेश्चन था पिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो आंसर इज परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्राम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक दिस इज़ द राइट आंसर सो ओनली वन जो है इज़ द राइट आंसर क्योंकि उन्होंने बोला पहला जो है आप बताइए तो यहाँ पे ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफ़र द मोस्ट फ्राम इन्फ्लेशन कौन सा ग्रुप ज़्यादा सफ़र करता है इन्फ्लेशन के दौर में तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी That is creditors. Creditors suffer the most from inflation. Next question The Reserve Bank of India issues currency notes under the. The Reserve Bank of India issues currency notes under the. Option C is the right answer that is minimum reserve system. मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट इशू करता है अंडर द मिनिमम रिज़र्व सिस्टम चलते हैं नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है इन्फ्लेशन में तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है दैट इज़ डेप्टर्स debtors is the right answer who among the following is most benefited from inflation answer is debtors next question which of the following can be used for checking inflation temporarily which of the following can be used for checking inflation temporarily the so answer is decrease in money supply option b is the right answer decrease in money supply विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर चैकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेरी डिक्रीज इन मनी सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉइविंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एग्रीकल्चरल फार्मर्स हु द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो आंसर यहाँ पे है एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो महंगाई के दौर में जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं वो क्या है प्रोटेक्टेड नहीं हैं Next question: Consider the following statements. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bond holders. Which of the statement given above is/are correct? Answer is only one. Inflation benefits the debtors is the right answer. Only one is the right answer. Next question: The effect of inflation on tax revenue. द इफ़क्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन ए सिचुएशन नोन एज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन ए सिचुएशन नोन एज़ तो यहाँ पे आंसर क्या है फिजिकल ड्रैंक ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन ए सिचुएशन नोन एज़ फिजिकल ड्रैग, फिजिकल ड्रैग इज द राइट आंसर इन्होंने पूछा है द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन ए सिचुएशन नोन एज टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जो है क्या होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है फिजिकल ड्रैग कहा जाता है ऐसे सिचुएशन को ठीक है नेक्स्ट है प्रेयर टू फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी द कन्वर्टिबिलिटी रेशोबाज प्रियर टू फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी द कन्वर्टिबिलिटी रेशोबाज हेयर आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फोर्टी सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन मिनीम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकनॉमिक रिफॉर्मबाज मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकनॉमिक रिफॉर्म्बाज इन जो मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म बाज इन कब थी मिनिमम इन्फ्लेशन कब थी तो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1999 टू 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी किस चीज़ को प्रमोट करने में हेल्प करती है आंसर इज एक्सपोर्ट्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डीवैल्यूएशन मींस मीन्स देखो एक तो था डीवैल्यूएशन हेल्प्स टू प्रमोट तो आंसर आ गया एक्सपोर्ट्स दूसरा है डीवैल्यूएशन मींस मीन्स का मीन्स क्या है तो आंसर इज लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरन करेंसी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डीवैल्युएशन ऑफ क्रेंसी बाय ए क्रेंसी इज मेड टू लीड टू डी वैल्युएशन ऑफ क्रेंसी बाय अ कंट्री डी वैल्युएशन ऑफ क्रेंसी बाय अ कंट्री इज मेड टू लीड टू देखो अभी यहां पर अभी सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटी एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो तो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज टू एंड फोर टू में क्या है प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटी थ्री क्या है एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड So, devaluation of currency by a country is meant to lead to promotion of import substitution or expansion of export trade. Option B is the right answer. Next question The issue department of the RBI maintains a dash against printing of notes. तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेकंड टाइम आ गया है द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आर बी आई मेंटेंस ए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द इशू डिपार्टमेंट ऑफ आर बी आई मेंटेंस ए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ क्रेंसी नोट्स इशूड बाय द आर बी आई हैज इकोलॉजी डिपेक्टेड ऑन इट तो यहाँ पे इकोलॉजी कौन से महात्मा गांधी सीरीज वाले जो क्रेंसी है उसके ऊपर डिपेक्टेड है तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दट इज रुपीज हंड्रेड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर यूज ऑन ए रुपी टेन नोट हेयर द राइट आंसर इज हाउ मैनी इसने पूछा कि हाउ मैनी लैंग्वेजेज हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर यूज ऑन ए रुपी टेन नोट हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज फिफ्टीन फिफ्टीन लैंग्वेजेज जो है लिखी गई हैं किसके ऊपर टेन रुपीज़ के नोट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स कुरेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज हंड्रेड इनमें से कौन हंड्रेड रुपीज के जो नोट हैं कुरेंसी है उसको क्या करता है प्रिंट करता है तो आंसर जो है राइट right आंसर क्या है यहाँ पे द बैंक नोट्स प्रेस दिवास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हंड्रेड रुपीज के नोटों को प्रिंट कौन करता है द बैंक नोट प्रेस दिवास इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक मनी इज ब्लैक मनी क्या है आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी दैट इज इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजली इवेडेड यानी कि वो इनकम जिसके ऊपर आप जो है क्या करते हो टैक्स नहीं देते हो दैट इज नोन एज ब्लैक मनी नेक्स्ट क्वेश्चन एम इंक्लूड्स एम बन इंक्लूड्स एम वन में क्या क्या होता है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आ गया है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में इसने पूछा है कि एम वन इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में एम बन इंक्लूड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन ऑप्शन ए में लिखा है करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक डिपॉजिट्स विद बैंक तो यहाँ पे एम वन में क्या क्या इंक्लूड होता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द दू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एम थ्री इंक्लूड्स एम थ्री में क्या क्या होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एम थ्री इंक्लूड्स तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एम वन प्लस टी डी एम वन प्लस टी डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए कुरेंसी हुज एक्सचेंज रेट टेंस टू फॉल बिकॉज ऑफ प्रसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट इज नोन एज ए कुरेंसी हुज एक्सचेंज रेट टेंस टू फॉल बिकॉज ऑफ प्रसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज नोन एज तो उसे क्या कहते हैं सॉफ्ट कुरेंसी कहते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर कुरेंसीज एंड बाइस परसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स जो कंसिडर वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें यहाँ पे हमें जो है सारी के सारी स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना पड़ता है उसके बाद में ही हम जो है किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँच सकते हैं सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी मे मीन तो क्या होता है फर्स्ट में लिखा है इट्स फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल कुरेंसीज इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब प्लेस इन साइड एंड आउटसाइड द कंट्री इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी तो बिच ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन एब आर करेक्ट यहाँ पे आंसर है वन एंड टू वन एंड टू तो आइए देखते हैं वन में क्या दिया है वन एंड टू वन में दिया है क्वेश्चन था पहले कि फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी मे मीन तो फर्स्ट था इट्स फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज बिल्कुल सही इट्स डिलेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री सो आंसर है वन एंड टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो आंसर है यहां पे इंक्रीज इन मनी ई इंक्रीज इन मनी सप्लाई अकाउंट फॉर कॉस्ट पुश इंफ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टडी इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसिस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई इज टर्म्ड एज उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसिज एज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई इन इज टर्म्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन वेन एंड इकोनॉमी इज गोइंग थ्रो इन फ्लेशनरी प्रेशर्स तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है ओनली वन ओनली वन में क्या है डायरेक्ट टैक्सेज शुड बी इंक्रीज तो इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन बेन एंड इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन फ्लेशनरी प्रेशर्स तो ऐसे दौर में क्या करना चाहिए टैक्सेस द डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको बढ़ा देना चाहिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओनली वन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज ए डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या चीज है तो हेयर द राइट आंसर इज वट इज ए डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या है इट इज ए कार्ड विच कैन बी यूज फॉर विद ड्राइंग कैश आर मेकिंग पेमेंट इफ देर इज बैलेंस इन द अकाउंट ठीक है डेबिट कार्ड क्या चीज है कि डेबिट कार्ड वो कार्ड है कि जिसमें क्या होता है विच कैन बी यूज फॉर विद ड्राइंग कैश उसमें आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर पेमेंट भी कहीं पे कोई चीज़ सामान खरीदी है आपने उसकी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में क्या है बैलेंस है तो नेक्स्ट है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रूपी वाज डी वैल्युएटेड बट परसेंटेज इन जुलाई 1991 तो हेयर right answer is option b that is 20. rupee was devaluated by but percentage in july 1991 answer is 20. the full form of pura is P J U R A. is answer is providing urban amenities in rural areas option c is the right answer pura फुल फॉर्म क्या है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय अ सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय अ सेंट्रल बैंक इन तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय अ सेंट्रल बैंक इनवॉल्व तो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द प्राइस ऑफ एन्य कुरेंसी इन इंटरनेशनल मार्किट इज डिसाइडेड बाय द किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है प्राइस ऑफ एनि कुरेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेयर द राइट आंसर इज दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इसने बोला है के प्राइस जो है क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी फोर है इसके बारे में बोला है कि भाई जो प्राइस है किसी भी करेंसी की उसको इंटरनेशनल मार्केट में कौन डिसाइड करता है तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी में क्या लिखा है टू थ्री एंड फोर टू में क्या है डिमांड फॉर गुड्स ओब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न उसके बारे में थ्री में है स्टेबिलिटी ऑफ द गमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री और उसके बाद में फोर्थ है इकनॉमी इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन रूपी इज फुल कन्वर्टिबल आंसर है इन रिस्पेक्ट ऑफ कुरंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स द इंडियन रुपी इज़ फुल कन्वर्टिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कुरंट उंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑप्शन वन यहाँ पे एक चीज और है ये थी स्टेटमेंट्स ऊपर तो यहां पे लिखा है कि बिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवर इज या फिर आर करेक्ट ओनली वन इज द राइट आंसर ऑप्शन ए ठीक है जी सो so फ्रेंड्स ये थे आज के फोर्टी फाइव क्वेश्चन इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम करेंगे पार्ट टू में ठीक है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है उनकी डिमांड थी कि सर आप जो है इन्फ्लेशन के ऊपर और एम हमें प्रोवाइड कराओ सो फ्रेंड्स so, ये जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत मदद देंगे बिकॉज ऑल क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन यू हैव नो नीड टू लर्न दिस क्वेश्चन बट यू हैव ए ग्रेट नीड टू रिवाइज दिस क्वेश्चन टू और थ्री टाइम्स रिवाइज कर लोगे तो यू विल बी एबल टू टिक द राइट ऑप्शन इन योर एग्ज़ाम ठीक है बिकॉज एम हमारी यही है कि हमने जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करना है सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए बाय बाय टेक केयर